चेतना शर्मा एंड वेलकम बैक टू चेतना की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? तो आज स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं चेतना की दुनिया का एक और न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। और बस कुछ अच्छा सा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कभी भी नहीं करते हैं। और दीदी आई हैं हर बार की तरह, बच्चे आए हैं दिन में, तो बस अभी दीदी इनके लिए केक लेके आई हैं कि केक तो कट करवाएंगी। और ये देखो यहाँ पे बैठे हैं सब, और ये लोग खा रहे हैं आलू पैटीज, और चाय मैंने बना दी है इनके लिए, और माजा वगैरह पी चुके हैं पहले। तो केक कट करते हैं, हाँ केक कट करते हैं अभी थोड़ी देर में, बस चाय बन रही है, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को अगर कहीं बाहर जाएंगे तो, क्योंकि ये सेलिब्रेट तो करते हैं नहीं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा 40 तो जा ही रहा है, 40-41 रोज का काम है। तो चलो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड ये वाला वीडियो ना लेट नाइट का है, 12 बजे का, तो इनका मन तो नहीं था, मूड ऑफ था, बट मैंने इनके लिए यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक सूजी का जो हलवा होता है ना वो बनाया, और उसको आलमंड से ना बादाम से उसको डेकोरेट किया थोड़ा सा, और यहाँ पे इनसे कट करवाया हमने एक होममेड केक। तो बस पापा जी भी आ गए थे मेरे ही रूम में, देखिए, और हमने यहाँ पे इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब ये बोलते हैं कि मम्मी जी के जाने के बाद ना इनको मन नहीं करता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मम्मी इनके बर्थडे को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, तो इस वजह से होता ही है, एक माँ ना होना तो फिर बहुत बुरा लगता है सच में। मगर अब हम लोग कोशिश करते हैं इनको खुश करने की, कि किसी तरीके से इनका मन लगे, और मैंने बोला कि अब तो छोटा बेबी भी है और आप इसके साथ सेलिब्रेट करो। तो देखिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं केक कट करने के लिए, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए ये वाला व्लॉग। देख इसका नाम भी लिखा है तन्नू थ्री, तन्नू थ्री, थ्री का हो गया ना ये पूरा, तन्नू थ्री, तन्नू टिशु थोड़ा आगे कर दे केक, ओए थोड़ा निकाल एक रख, ओए 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 कहां नजर है उसकी, नीचे कैसे कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे और यहाँ पे कट किया हमने इनका केक, और बेबी पता नहीं किस वजह से एकदम से डर गया, तो ये बाद में बता रहे थे कि मैं जब केक कट कर रहा था ना तो नाइफ उसकी हाथ, मतलब उसकी उंगली ना दब गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से बनी बहुत तेज़ रोने लग गया था। और बस यहाँ पे हम सब ने इनको फिर केक खिलाया, तो यही था एक छोटा सा सेलिब्रेशन। तो घर में इनका बर्थडे बस ऐसे ही सेलिब्रेट किया, केक ले आए थे, केक कट किया, और खाने का कुछ प्रोग्राम था कि वो ही है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और अभी 15 अगस्त पे भी सब इतना हैवी बनाया था, तो किसी का भी मन नहीं था पूरी वगैरह खाने का, सब्ज़ी का, तो हमने सोचा कि आज बाहर ही जाया जाए। तो बस केक वगैरह कट करने के बाद हम लोग फिर चले गए थे बाहर, और दीदी भी यहाँ पर इनको केक खिलाएँगी, देखो। तो बस अच्छे से इनका बर्थडे यहाँ पर हमने सेलिब्रेट कर दिया, फिर भी खुश तो नहीं होते हैं, देखो आपको दिख ही रहा होगा इनके फेस से, ऐसे ही रहते हैं चुप चुप से। और अब मैं भी यहाँ पे इनको केक खिलाऊंगी, तो दीदी को दिया कैमरा, मैं कहा चलो मेरी भी वीडियो आप कवर कर दो, और मैं भी केक खिला देती हूँ यहाँ पे। और बनी है पापा जी के पास, पापा जी ने ले लिया था, उसको रो रहा था क्योंकि भाई अपने दादा के लाडले हैं दोनों ये, और दादाजी के पास ही खुश रहते हैं, और छोटा वाला भी। और मैं इनको यहाँ पर अब केक खिला रही हूँ, थोड़ा सा लगा दिया था इनके फेस पे, देखो तब भी नहीं हंस रहे। तो बस ये था हमारा केक सेलिब्रेशन, और केक कटिंग करी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम लोग डिनर करने गए ना, उस दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, हम लोग बस डिनर करके आ गए थे, फिर काफ़ी लेट नाइट हो गया था, और दीदी फिर घर पे ही रुक गई थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल से मैसेज आ गया था कि G20 के जो गेस्ट आने वाले हैं उसके चक्कर जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना 3 दिन की, वो पड़ गई थी। तो दीदी ने बोला कि चल फिर मैं रुकी जाती हूँ एक रात। नेक्स्ट डे दीदी फिर मतलब दिन में निकल गई थी, और रात को रुक गई थी, तो काफ़ी लेट नाइट हम लोगों ने बातें बातें की, खाना खा के आए बाहर से, और अब यहाँ पे मैं केक खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस उसके बाद निकल गए हम लोग डिनर के लिए, और यहाँ पे देखो बाहर हैं हम लोग, अभी हम प्रीत विहार की साइड हैं, तो बस वहाँ से जा रहे हैं हम डिनर के लिए। तो यही था आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा एंड काफ़ी अच्छी अच्छी बर्थडे विशेज कीजिएगा मेरे हस्बैंड को। फिर जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी अपने घर में सेफ रहिए, 3 दिन की छुट्टी इंजॉय कीजिए। बाय बाय।